हेलो फ्रेंड्स। तो अगर आप नैक के क्राइटेरिया में काम कर रहे हैं, तो अभी मैंने रिसेंटली नैक का क्राइटेरिया 2 का नया फॉर्मेट देखा। तो उसमें क्या करना है, हर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी के साथ हमें उसका विद्वान आईडी भी प्रोवाइड करना है, जो एक कंपलसरी फील्ड है। तो मुझे पता ही नहीं था विद्वान आईडी है क्या, तो मैंने सोचा चलो इसको गूगल करते हैं। तो मैं गूगल पे गई और मैंने विद्वान आईडी के लिए सर्च किया, और फिर मुझे पता चला कि ये जो इनलिबनेट का एक नेटवर्क है, जिससे हम सारे रिसर्चर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो फिर मैंने इसके ऊपर अच्छे से स्टडी किया और मैंने अपना खुद का प्रोफाइल क्रिएट किया। और ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब है कि मेरा प्रोफाइल एक्टिव है। और हर रिसर्चर को इस नेटवर्क पे अपना प्रोफाइल जरूर क्रिएट करना चाहिए। इसमें देखिए मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन भी है, इसमें मेरे सारे सारा इंफॉर्मेशन है। देखिए मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशंस जो भी मैंने अचीव किया है वो है, फिर ऑनर्स एंड अवार्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, पब्लिकेशंस का डिटेल है, और इसमें सारे स्कोपस के मेरे जो पब्लिकेशंस है, ये देखिए स्कोपस पब्लिकेशंस है, उनके लिंक्स है, जिससे मैं डायरेक्टली क्लिक करके वो लिंक पे जा सकती हूँ। ये देखिए ये DOI पे क्लिक किया तो ये सारे क्रिएट हो गए मेरे लिंक्स, और ये बता रहा है कि ये कितनी बार स्कोपस में साइटेशन मिला है मेरे आर्टिकल को। तो ये एक ही प्लेटफॉर्म है जिससे आप सारे रिसर्चर के साथ कनेक्ट हो सकते हो। और इवन नैक को अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी रिसर्चर के बारे में या फैकल्टी के बारे में, कि उनके पब्लिकेशंस के बारे में, तो ये सारा इंफॉर्मेशन इनको एक ही जगह पे मिल सकता है। तो आई होप हम सबको ये करना ही पड़ेगा, प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, प्लस उसको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे और का आईडी है, मैंने जब ये और का आईडी कंप्लीट किया, तो देखिए मेरा और का आईडी पे जितने भी पब्लिकेशन है और मेरा जो एम्प्लॉयमेंट है वो सब यहाँ पे दिख रहा है। ये विद्यालंकार स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैं करेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सब मेरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है, प्लस स्कोपस आईडी, ये देखिए मैं स्कोपस से कनेक्ट होती हूँ, तो मेरे जो स्कोपस के पब्लिकेशन है वहां पे मेरा नाम, प्लस मेरे जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये देखिए मेरे तीन डॉक्यूमेंट है, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट क्या लिस्ट भी यहाँ पे दिख रहा है। प्लस यहाँ पर गूगल स्कॉलर पे भी मैंने आईडी बनाया हुआ है, तो ये गूगल स्कॉलर पे मेरे जो स्कोपस के डॉक्यूमेंट है वो भी यहाँ पे दिख रहा है, प्लस एच इंडेक्स, I10 इंडेक्स सबका वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये बहुत ही यूजफुल प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम सबको ये यूज करना चाहिए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि इस प्लेटफॉर्म में अपना पूरा प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है, और फिर इसको फाइनली एक्टिवेट कैसे करना है, जो बहुत ही जरूरी है। अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा तो आपका सिर्फ प्रोफाइल क्रिएट होगा, बट अगर ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये इसका कलर ग्रीन कलर हो जाएगा, और फिर यहाँ से हर एक जो आपके को ऑथर्स है वो कनेक्ट हो जाएगा, आपका स्कोपस पब्लिकेशन सारे कनेक्ट हो जाएंगे, तो एक ही जगह पे आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो आई होप आप मेरे वीडियोस जरूर देखेंगे। थैंक यू।